गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जा रहे हैं सारंगकोट। सारंगकोट पोखरा में ही एक पहाड़ के ऊपर 7 से 8 किलोमीटर बसा हुआ एक छोटा सा विलेज है। सारंगकोट आने का जो सबसे बड़ा रीज़न है उसमें से एक है कि यहाँ से सनराइज़ बहुत ही शानदार दिखता है। अगर सारंगकोट आप सुबह सुबह 5 बजे के आसपास ही आ जाते हो तो यहाँ पर व्यू टावर्स बने हुए हैं जहाँ से आप सुंदर सनराइज़ के साथ साथ पूरा अन्नपूर्णा हिमालयन रेंज देख सकते हो। यहाँ से पैराग्लाइडिंग वगैरह भी होती है जो कि 8,000 रुपये नेपाली करेंसी से शुरू होती है। और यहाँ आने का तीसरा रीज़न ये भी है कि यहाँ से आपको पूरा पोखरा नज़र आता है और पूरी लेक भी नज़र आती है। आप चाहो तो अन्नपूर्णा केबल कार के थ्रू भी यहाँ आ सकते हो। मैंने सोचा नहीं था कि पोखरा इतना बड़ा है। मुझे लगा था कोई हिल स्टेशन होगा छोटा सा, लेकिन पोखरा बहुत ही बड़ा शहर है। अभी हम बहुत हाइट पे हैं और ये है पोखरा, पूरी सिटी बसी हुई है। यहाँ सामने बर्फ के पहाड़ भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी बादल हो रहे हैं तो दिख नहीं रहे। और इस साइड में है पोखरा। यहाँ पहाड़ की चोटी पे महादेव विराजमान है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा या नहीं, क्योंकि रोड बहुत धचके वाली है, खराब है, कंडीशन सही नहीं है। खड़ी आएगी गाड़ी नीचे है यार, अपनी टच होगी यहाँ क्योंकि खड़ी चढ़ाई पे। ऊपर पहाड़ वाले शिव मंदिर जाना हो गया कैंसल क्योंकि रोड की कंडीशन अच्छी नहीं दिखी। हम लोग गए थोड़ा आगे, लेकिन 4 किलोमीटर के भी आधा घंटा टाइम दिखा रहा था, इसका मतलब रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है। थोड़ा सा आगे तक भी गए तो खड्डे बहुत ज्यादा और बहुत खड़ी चढ़ाई थी। खड़ी चढ़ाई में दिक्कत नहीं थी, लेकिन गाड़ी ये नीचे है तो टच हो जाएगी जगह जगह, खड्डे क्योंकि बहुत ही ज्यादा है तो हमने कैंसिल कर दिया। वापस जा रहे हैं लेक साइड रोड पे, लेक साइड में। वैसे वहाँ जाने का एक रास्ता और भी था, लेकिन हमें जाते जाते काफ़ी लेट हो जाता, अंधेरा भी हो जाता, तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया।
भैया ने गोलगप्पे खिलाए 100 रुपए के 5, नहीं 100 रुपए के 10। 100 रुपी नेपाली, उसमें 10 और इंडिया का लेते हो तो 60 रुपए, मतलब है इंडिया का 60 रुपया। और बहुत ही अच्छा टेस्ट था, बहुत ही अच्छी फीलिंग, एकदम स्पाइसी, चटकारा, मस्त, शानदार। कैसी लगी? मजा आ गया, वहीं कहीं खा रहे हैं। बिल्कुल इंडिया वाला टेस्ट था, बल्कि बहुत अच्छा लगा। बड़ा महंगा है यहाँ पे। हाँ,